एसडीएम जोगिंद्रनगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को लेकर स्थापित किए जाने वाले चार्जिंग स्टेशन बारे विभिन्न विभागीय अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में जोगिंद्रनगर उपमंडल में विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को लेकर व्यापक चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व, वन एचआरटीसी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न पेट्रोल पंप संचालकों एवं अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए एसडीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन संचालन को स्थापित किए जाने वाले चार्जिंग स्टेशन को लेकर सभी संबंधित विभागीय स्थानों को चिन्हित कर विस्तृत रिपोर्ट समयबद्ध उनके कार्यालय को प्रस्तुत करें। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को वर्तमान उच्च मार्ग तथा प्रस्तावित मार्ग में ऐसे 5-5 स्थानों को चिन्हित करने को कहा जहां पर इन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया जा सकता है। इसी तरह हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों को बस स्टैंड जोगिंद्रनगर तथा एचआरटीसी कर्मशाला में स्थान चिन्हित करने को कहा। आपका फैसला के लिए जोगिंद्रनगर से कैलाश की रिपोर्ट।